मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात कर रही हूँ मैं कपिल सिब्बल को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, यहाँ पर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को लेकर। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि कपिल सिब्बल भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, एक तो तब से जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और दूसरी बार तब से जब से यहाँ उद्धव ठाकरे का केस लड़ते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से बार बार नाम लिया जा रहा था, जब यहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर बात हुई थी, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दलीलें रखते नजर आए थे कपिल सिब्बल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यहाँ पर चुनाव चिन्ह हो गया है या पार्टी का नाम हो गया, वो सब उद्धव ठाकरे के खेमे में जाना चाहिए क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये सारी चीजें विरासत में मिली है। लेकिन अभी ना तो विरासत जीती है और ना ही अब बहुमत जीता है। तो यही पर बहुत सारी दलीलों के साथ लगातार कपिल सिब्बल नजर आए। अब उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी शर्त भी रखी, जिसमें वो साफ तौर पे कहते नजर आए थे कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ही सारी जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए, तभी यहाँ पर महाराष्ट्र का भला हो सकता है। क्योंकि अगर हम भी बात करें यहाँ पर अपने लाइव सेशन की, अपनी रिपोर्ट की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उद्धव ठाकरे की वाहवाही करते नजर आते, एकनाथ शिंदे को लोग इतना पसंद करते नहीं आते नजर। यहाँ पर यही कहा गया है कि सत्ता का लालच था, इसलिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पहले से ही बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें 2.5 साल बाद याद आया कि या तो पार्टी में हिंदुत्व की राह पे तो चला ही नहीं जा रहा, 2.5 साल से कहाँ सो रहे थे एकनाथ शिंदे, जो उनको 2.5 साल बाद याद आया। तो वही सारी बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ने रखी। उन्होंने ये बात भी रखी कि आज विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ बगावत किए, तो कल को एकनाथ शिंदे के ग्रुप में से भी कोई निकलता है तो उसके साथ भी बगावत करते नजर आएंगे, यानी कि उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरीके से आप पार्टी के निशान और उसकी जो पहचान है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इस तरीके की दलीलें यहाँ पर कपिल सिब्बल रखते नजर आए थे। और साथ ही साथ ये भी माना जा सकता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाते नजर आए हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल की जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को नजर भी आ रही है, और इस बात को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाला समय उद्धव ठाकरे के लिए सही साबित हो सकता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल की दलीलें जो है उनके सामने शिंदे फेल होते नजर आएंगे? अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।